वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और शानदार वीडियो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की बिजनेस और फंडिंग न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है क्रिप्टो करेंसी की तरफ से निकल के आ रही है दोस्तों, पिछले एक साल में क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों $1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो मार्केट दोस्तों वाइप ऑफ हुआ, नहीं दोस्तों $1 ट्रिलियन की जो असेट्स है दोस्तों वो गायब हो चुके हैं। इतना ज़्यादा जो पिछले एक साल में जो मार्केट गिरा है दोस्तों। अब इसके देखते दोस्तों जो इथेरियम दोस्तों अपना अपडेट लेके आ रहा है दोस्तों, जिसका उन्होंने नाम दिया मर्ज। 8 साल पहले दोस्तों इथेरियम जो है लॉन्च हुआ था दोस्तों, लगभग दोस्तों 2013-14 में लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों उसका जो दूसरा वर्जन आ रहा है दोस्तों, इससे क्या होगा, इथेरियम दोस्तों जो है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनेगा। अभी इथेरियम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें गैस फीस लगती है, उसको दोस्तों और जो है एफिशिएंट बनाया जाएगा। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों चाइना और दोस्तों यूरोप की तरफ से। चाइना दोस्तों जो अपनी एलएनजी यानी लिक्विफाइड दोस्तों नेचुरल गैस है उसको दोस्तों यूरोप को सेल कर रहा है, रीसेल कर रहा है। दोस्तों जो चाइना खुद है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा बाय करता है एलएनजी गैस को पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। लेकिन अब उसके जो चाइना दोस्तों जो इतनी डिमांड नहीं है एनर्जी की एलएनजी की, इसलिए जो सरप्लस उनके पास गैस बच रही है उसको दोस्तों यूरोप को सप्लाई कर रहा है। और यूरोप में दोस्तों जो बहुत ज़्यादा डिमांड है वो वहाँ पर दोस्तों सप्लाई की जो क्राइसिस आ चुकी है यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से, दोस्तों जो यहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी प्राइस दोस्तों जो है दोगुने तिगुने प्राइस में पहुँच गई है। और वहाँ पर दोस्तों एनर्जी क्राइसिस भी आ सकता है, ये दोस्तों जो है इकोनॉमिस्ट वहाँ के कह रहे हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है टाटा स्टील की तरफ से दोस्तों, जो है अपनी नई सब्सिडियरी सेटअप करने वाले हैं। इस सब्सिडियरी के दोस्तों जो है एक नया मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे दोस्तों, बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये रेलवे की कोचेस हुए या मेडिकल के दोस्तों डिवाइसेस हुए, ग्राफिंग के दोस्तों जो एप्लीकेशन वगैरह, इन सभी को बनाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों इनकी जो मेन फोकस रहेगा वो ईवी की इंडस्ट्री पर रहेगा, एविएशन और ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री दोस्तों इनका जो मेन फोकस रहेगा, इनमें दोस्तों काम करने वाले हैं दोस्तों। और जो CO2 एमिशन है इसको दोस्तों कम से कम दोस्तों जो है करने के लिए कोशिश की जा रही है, टाटा स्टील का नया प्लान लगाया जा रहा है। दोस्तों टाटा जो है शुरुआत से दोस्तों जो है ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड हुआ है, और टाटा दोस्तों कोशिश करता है कि इंडिया दोस्तों और ज्यादा डेवलपमेंट बनाया जा सके। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि इंडिया में दोस्तों जो ट्रेड डेफिसिट दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं, $28 बिलियन दोस्तों जो ट्रेड डेफिसिट हो चुके हैं। दोस्तों हमने जो एक्सपोर्ट दोस्तों गिरे हैं 1.15% से ईयर ऑन ईयर दोस्तों, और जो है $33 बिलियन जो हमने अगस्त के महीने में जो है इसमें एक्सपोर्ट किए हैं। और दोस्तों इंपोर्ट जो है 37% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, $61 बिलियन दोस्तों जो है हमने इंपोर्ट किया दोस्तों पिछले ही महीने, यानी कि $28 बिलियन दोस्तों जो है ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को मिला है अगर गवर्नमेंट ने डेटा निकाला दोस्तों। और अगस्त 2021 से कंपेयर करें तो सिर्फ $11 बिलियन जो है ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन दोस्तों अब जो $28 बिलियन हो चुका है दोस्तों, जो काफ़ी बुरी बात है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल के आती है दोस्तों कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि इंडिया में दोस्तों रिसेशन की कोई भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल 0% चांसेस है। हमारी जो दोस्तों GDP है वो 13.5% से दोस्तों पहले क्वार्टर के अंदर ग्रो हुई है, 20.1% दोस्तों जो है ये सेम पीरियड दोस्तों लास्ट ईयर ग्रो हुई थी, लेकिन दोस्तों फिर भी हमने काफ़ी अच्छी जो इसको ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है, डबल डिजिट की ग्रोथ जो है GDP के अंदर चल रही है। दोस्तों US, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद दोस्तों इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बन चुका है। दोस्तों जो है इंडिया जो है यूके को सरपास करके जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाए, लेकिन दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 2027 में दोस्तों जो है जर्मनी को भी पास कर दोस्तों जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और फिर दोस्तों जापान को 2029 में सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का दोस्तों प्लान है। ये दोस्तों SBI की एक रिपोर्ट आई उसके साथ पता चला है। अभी दोस्तों जो ग्लोबल GDP में इंडिया का शेयर है वो 3.5% है, 2014 में से कंपेयर करें दोस्तों 0.9% जो है बढ़ा है, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे तो 2.6% था 2014 में ग्लोबल GDP में इंडिया का शेयर, और दोस्तों जो करंट GDP शेयर दोस्तों जर्मनी का वो 4% है ग्लोबल GDP में, और 2027 तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जर्मनी की जो शेयर है 4% उसको इंडिया क्रॉस कर लेगा, और दोस्तों 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बन जाएगा। या फिर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 2-3 साल के अंदर जो है हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, क्या होगा दोस्तों ये हमको देखने फ्यूचर में मिलेगा। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है आइशर मोटर्स के शेयर की तरफ से दोस्तों, उनका जो शेयर दोस्तों 3429 पे दोस्तों अपर सर्किट लगाए 0.52% बढ़ा है, पिछला जो क्लोज हुआ दोस्तों 3411 पे हुआ था। दोस्तों अगर आप देखोगे आइशर मोटर्स के शेयर की हिस्ट्री तो पिछले 23 साल में दोस्तों इन्होंने जो है 281,000% रिटर्न दिया दोस्तों। January 1, 1999 में इनका जो शेयर का प्राइस था वो ₹1.22 था, लेकिन दोस्तों आज इनका जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है वो 3429 है, यानी दोस्तों 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख% का जो है रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। अगर आप दोस्तों ₹1,00,000 आज से 23 साल पहले आइशर मोटर्स में लगाए होते तो दोस्तों उनकी वैल्यू 28 करोड़ से भी ज्यादा होती, और दोस्तों ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनमें आपने 20-30 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उनकी वैल्यू करोड़ों में होती। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि जो 10 में से 6 दोस्तों जो है ब्रिटेन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों इंडस्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं दोस्तों, वो बंद होने की कगार पे दोस्तों, क्योंकि जो है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस दोस्तों पूरे यूरोप में ब्रिटेन में फैला हुआ है। तो 10 में से 6 इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोस्तों 100% से ज़्यादा बढ़ा है 5 इंडस्ट्रीज में दोस्तों। तो 50% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका बिल जो है 100% ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दोस्तों वो भी बढ़ रही है, और जिसकी वजह से जो डिमांड है दोस्तों, जो मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट्स की वो कम हो रही है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो प्रेशर में ब्रिटेन की किस तरह से इस जो एनर्जी क्राइसिस को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से एनर्जी को दोस्तों जो है डिमांड को मीट किया जाए सप्लाई के साथ। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आती है अडानी की तरफ से दोस्तों, पिछले 5 साल के अंदर दोस्तों उनका जो कर्ज है, उन्होंने जो डेट ले रखा दोस्तों वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 1,00,000 करोड़ से 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ तक हुआ, 220,000 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों उन्होंने होलसेल इंडिया से दोस्तों 40,000 करोड़ में ACC और अंबुजा को खरीदा है, तो उनका जो कर्ज है दोस्तों जो है 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ का हो चुका है।
दोस्तों अगर करेंसी में बात करें तो 30% जो कर्ज है इनका वो फॉरेन करेंसी यानी बाहर से लिया गया है। और दोस्तों अगर इनका बात करें कर्ज तो इनका दोस्तों बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों इनके जो कैश फ्लो इनकी कंपनीज का यानी प्रॉफिट भी दोस्तों इनकी कंपनीज का बढ़ रहा है। दोस्तों इससे हमको पता चलता है कि कैश फ्लो बढ़ रहा है यानी कि जो ये अपना लोन को रीपे करने में दोस्तों जो है इनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी दोस्तों चाहे कितना भी लोन ले लें लेकिन ये दोस्तों फ्यूचर को सोच के लोन लेते हैं और बाद दोस्तों इसको जो आराम से रीपे भी कर देंगे। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों सुगर कॉस्मेटिक्स की तरफ से। दोस्तों रणवीर सिंह दोस्तों जो है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं सुगर कॉस्मेटिक्स के अंदर। कितना पैसा इन्वेस्ट किया दोस्तों वो भी पता नहीं है। दोस्तों सुगर कॉस्मेटिक्स ने अभी हाल ही में $50 मिलियन रेज किए थे अपने सीरीज डी फंड रेजिंग राउंड में। और दोस्तों रणवीर सिंह को लाने से उनको फायदा होगा क्योंकि अब दोस्तों नई मार्केट्स में एक्सपेंड कर पाएंगे। दोस्तों ये 550 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों पिछले साल जो है सेल्स को टच किया था। 550 सिटीज़ में ये पहुंच चुके हैं। 45,000 से ज्यादा सिटीज़ में दोस्तों जो इनके रिटेल आउटलेट हैं दोस्तों उनके अंदर इनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। और दोस्तों ऑनलाइन भी इनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। विनीता सिंह दोस्तों अभी जो शार्क टैंक के अंदर भी आई थी और अपने दोस्तों ब्रांड को भी इन्होंने काफी अच्छा जो है प्रमोट भी किया है। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से जो इनकी सेल्स है दोस्तों और बढ़ पाती हैं या फिर रणवीर सिंह के आने से इनको कितना फायदा और हो पाता है। तो दोस्तों आज की जो बिजनेस और फंडिंग वीडियो वो यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूं आपको जो वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो तो आपको डेली हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डेली बिजनेस और फंडिंग न्यूज के लिए।